हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। सो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग चीजों को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। जो हम लोगों ने अभी तक करेंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है, चाहे वो 2022 का हो या 2021 का, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे रिवाइज किया जा रहा है। तो चलिए जरा शुरुआत करेंगे। यहाँ पे छोटा सा सेशन होता है, जस्ट 10 to 15 मिनट्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस क्लास के जस्ट बाद में रेगुलर बेसिस पे आपका 7 AM करेंट अफेयर्स का क्लास रहता है, जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है। चाहे आप रेलवे के लिए पढ़ो, बैंकिंग है, SSC, NDA, CDS, स्टेट PSC, UPSC, एनी एग्जामिनेशन, ये आपके सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। जब आप क्लास के अंदर आओगे तो आपको खुद से यहाँ पे डिफरेंस रियलाइज होगा। तो चलिए जरा आगाज करेंगे और एक बार इसे सेशन के लिंक को लाइक और शेयर करिएगा। सबसे पहली चीज आपके लिए कि रेगुलर करेंट अफेयर सुबह 7 बजे रहता है, एंड ये पर्टिकुलर सेशन आपका रिविजन है। आपके दो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस होते हैं, एक क्लास आपका सुबह 11 बजे और एक क्लास आपका शाम को 4 बजे रहता है। बोथ दी क्लासेस आर इम्पोर्टेंट। चलिए अच्छा शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ सवाल, सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में 14400 ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है, एंड ये पर्टिकुलर ऐप इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो करप्शन है स्टेट के अंदर उसे खत्म किया जा सके, उसे यहाँ पे क्योर किया जा सके। इसके लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है, जिससे कि क्या होगा, प्रॉपर डिजिटल फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये किया गया है कौन से स्टेट के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने अभी हाल ही में अपने यहाँ पे 13 नए डिस्ट्रिक्ट को भी बनाया है, यानी कि अभी तक 13 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब यहाँ पे 13 और डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो टोटल मिला के हो गया 26। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंध्रा इज द राइट आंसर। अगला सवाल, 6 मेंबर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है, इसको किसके द्वारा हेड किया जाता है। 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 5 मेंबर जो होते हैं वो तो आपके RBI और कुछ होते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन इसको हेड किसके द्वारा किया जाता है। तो इसको हेड किया जाता है RBI के गवर्नर के द्वारा, यानी कि शक्तिकांत दास जी के द्वारा। अभी हाल ही में क्या हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसकी जिम्मेदारी होती है RR RRR, इन सबको मेंटेन करते हुए चलना, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक को हेड हमेशा कौन करेंगे, तो शक्तिकांत दास जी हमेशा इसको हेड करेंगे। ये याद रखिएगा, ये सवाल कई बार पेपर में आता है। अगला, बाइको फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल वहीं पे होता है जहाँ पे बिहू फेस्टिवल होता है, या फिर जहाँ पे बिहू डांस परफॉर्म किया जाता है, या फिर सतरिया डांस परफॉर्म किया जाता है, उसी जगह पर इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यानी कि वो स्टेट कौन सा होगा, आसाम इज द स्टेट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फेस्टिवल है। ओके, नेक्स्ट पे आइएगा, बीच विजिल ऐप, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया कौन से राज्य के द्वारा। देखो, अगर आप सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स के अंदर आ रहे हो तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए नई नई चीजें होती है। मैंने कुछ के कॉमेंट पढ़े हुए हैं, कुछ के कॉमेंट आते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल नया है, ये हमने कब पढ़ा। तो बेटा, जब आप रेगुलर क्लास करोगे ना 7 बजे, तो आपको खुद से लगेगा कि हाँ भाई पढ़ी हुई चीज है। और अगर मान लीजिए कि आपने अभी नया नया फॉलो करना शुरू किया है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए नया नया होगा। ओके, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा ने अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया था। गोवा ने इसको लॉन्च इसलिए किया था ताकि बीचेस पे जो पॉल्यूशन होता है, जो वहां पे गंदगी वगैरह फैलाई जाती है, उसको रेगुलेट किया जा सके। उसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, प्रमोद सावंत जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI, ये सवाल आपके MTS में 3-4 बार अभी आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाता है चेयरपर्सन, तो आप आंसर करोगे दिनेश कुमार, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आप आंसर करेंगे अलोक कुमार चौधरी जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर मिलेगा। पहले इसको इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, बाद में आगे चल के इसको SBI के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, मेला खीर भवानी, ये एक मेला होता है, ठीक है, एक फेयर होता है। सवाल में कहा जा रहा है कि ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, कौन से राज्य में, या फिर केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसका आयोजन होता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। वहां पर आप देखेंगे तो ये फेस्टिवल आयोजित होता है, कश्मीरी पंडित के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे मंदिर है, उस मंदिर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आइए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अंदर आता है। गाइज, इस वाले सेशन को भी एक बार से मुझे रिव्यू करके जरूर बताया करो।
ये हो जाएगा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। नेशनल हाईवे की जब हम बात करेंगे तो अभी हाल ही में इंडिया ने यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया था, 75 किलोमीटर का रास्ता जो कि सिर्फ 105 घंटे कुछ के टाइम पे इसको बना के तैयार किया गया। नितिन गडकरी जी के पास में आपको ये मंत्रालय देखने को मिलेगा। हु विल इनोग्रेट द बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर बायोटेक स्टार्टअप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, पीएम हो जाएंगे, होम अफेयर मिनिस्ट्री है, अनुराग कश्यप जी के पास में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, एंड जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है वो राजनाथ सिंह जी के पास में है। अगला सवाल, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। देखिए क्यूएस रैंकिंग जो अभी रिलीज हुई थी उसके अंदर इंडिया की ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु है इसकी रैंकिंग आपको 155 देखने को मिले। लेकिन अभी हाल ही में जो नेशनल लेवल पर लॉन्च हुई है, जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले सुबह आपको पढ़ाया था, उसके हिसाब से इंडिया का IIT मद्रास जो है वो आपको नंबर 1 पे मिलेगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने अपने यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको लीगल राइट प्रोवाइड किया है, और ऐसा करने वाला ये सबसे पहला देश भी बन गया है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इक्वाडोर। क्या है, इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्यूचो इसकी कैपिटल हो जाएगी। एंड ये पूरी दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जिसका नाम इसकी लोकेशन के बेसिस पे रखा गया है। यहाँ से इक्वेटर लाइन क्रॉस होते हुए जाती है और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट प्रोवाइड कर दिया है। अगला सुनिएगा, ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर यूपी के अंदर, ट्रांसजेंडर के लिए 1% रिजर्वेशन कर्नाटका के अंदर, ट्रांसजेंडर के लिए डेस्क अलग से तेलंगाना के अंदर बनाया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। शारदा टेम्पल LOC के पास में बना हुआ है। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। अभी हाल ही में इसका जो रिकंस्ट्रक्शन है उसकी शुरुआत की गई है, जिसकी वजह से ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर वाली जो लोकेशन है वहां पे आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला, भारत का इसमें से कौन सा राज्य यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क को लगाया जाएगा। इसको अप्रूवल मिल चुका है और ई वेस्ट टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये अब लगाया जाएगा कहाँ पर, दिल्ली के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये था अपना रिविजन का पार्ट, अभी आपसे 7 बजे मुलाकात करेंगे। आई होप नींद खुल चुकी होगी। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वगैरह आपको यहीं पर मिलती है। मेरी प्रोफाइल है प्रति सिंह के नाम से, ये आपका पेड बैचेस हैं जो आपके इन सभी एग्जाम को कवर करते हैं। और अब 22 जुलाई के बाद में पेड बैचेस का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर वेडनेसडे को नया बैच स्टार्ट होता है, जीके GS मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग सबका, आइकॉनिक फीचर्स भी हैं, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। और पेड बैच को समय पर ज्वाइन करिएगा क्योंकि कोड आपको लगाना है Krati10। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अभी आप लोगों से कितने बजे, 7 बजे, रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।